हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज के नए वीडियो में स्वागत है आपका। और आज हमारा है डे टू दिल्ली टूर का। तो अभी तो हम लोग घर से फ्रेश व्रेश होके निकल चुके हैं। और अभी मैं आपको पहले ही बता दूं, आज हम दिल्ली में टूर करेंगे और उसके बाद निकलेंगे अजमेर के लिए। तो अभी हम पहले जा रहे हैं निजामुद्दीन दरगाह और उसके बाद हम चलेंगे मेरोली। तो अभी हम लोग देखिए चार लोग हैं और इधर हमारे राजा भाई ड्राइव कर रहे हैं। ये डे टू है हमारा। तो चलिए अब चलते हैं निजामुद्दीन की ओर और वीडियो में अंत तक बने रहें, काफ़ी मज़ा आएगा आपको इस वीडियो में। पहले मैं आपको बाहर का कुछ दिल्ली का व्यू दिखाता हूँ, आप इंजॉय कीजिए उसे। तो हम लोग आ चुके हैं अब निजामुद्दीन दरगाह जो है उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में पार्किंग है उधर। और ये रही गाड़ी और ये रहे अपने भैया लोग। चलिए चलते हैं दरगाह की ओर और चलिए आगे। तो हम आ चुके हैं निजामुद्दीन और अभी जा रहे हैं दरगाह की तरफ। चलिए अंदर चलते हैं। निजामुद्दीन सब निकल चुके हैं मेरोली के लिए और यहाँ से लगभग लगेगा 34 यानी 34 मिनट और यहाँ से है 11 किलोमीटर। तो हम लोग अभी दिल्ली के ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और ट्रेन जो है वो हमारी लगभग 3:30 के आसपास की है या 4 बजे, इसी बीच में है। तो चलिए अब चलते हैं मेरोली और दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। फाइनली हम आ चुके हैं अब मेहरौली में और हमने कर दिए यहाँ गाड़ी को पार्क। चलते हैं दरगाह की तरफ। ये देखिए जो कुछ लोग हैं वो आगे आगे चल रहे हैं। चलिए अब चलते हैं दरगाह पे और फिर बात करते हैं आगे। तो यहाँ ले चुके हैं हम फूल। चलिए अब चलते हैं अंदर और हम लोग घूम चुके हैं यहाँ, ज्यारत कर चुके हैं। अब चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं। गाइस तो अब हम मेरोली से तो निकल चुके हैं और एक और मजा आ रहा है। क्या नाम है? ये आशिक अल्लाह का दरगाह जो मेरोली है। देखिए काफ़ी फॉरेस्ट इलाका है तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। रास्ता तो काफ़ी ख़तरनाक है, दिख रहा होगा आपको वीडियो में। जंगल है, पहाड़ी इलाका है, पूरा जंगल एरिया है। देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ। चलिए चलते हैं वहाँ और वहाँ ज़ियारत करते हैं, मिलते हैं। पहाड़ वहाड़ भी सामने नज़र आ रहा है। जा रहे हमारे ड्राइवर साहब, काफ़ी ट्रेन ड्राइवर हैं, गाड़ी अच्छा चलाते हैं। हम आ चुके हैं यहाँ। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं दरगाह पर। ये देखिए यहाँ वो कुआं है जहाँ से पानी निकाला करते थे और ये रहा वो दरगाह। चलिए अब चलते हैं अंदर और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है वो हम जाके अंदर। हम जो व्यू की बात कर रहे थे वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए अभी हम आ चुके हैं ऊपर और ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है पूरा फॉरेस्ट का। चलिए उधर चल के मैं दिखाता हूँ आपको। तो हम लोग आ चुके हैं ऊपर से अब नीचे और ये देखिए यहाँ लंगर का प्रावधान है, मतलब लंगर यहाँ अवेलेबल ही रहता है। चलिए देखते हैं लंगर में क्या है और टेस्ट करते हैं। तो ये ले चुके हैं हम लंगर। ये देखिए कढ़ी और चावल के साथ पकौड़ा। चलिए इसे खाते हैं और निकलते हैं अपने सफ़र में। अगली वीडियो में दिखाई होगा, अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो देख सकते हैं।